ये सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज के सामने का है साहब। ये पूरा कब्रिस्तान था यहाँ पर, जो ना सबों की तादाद में जो ना यहाँ पर खबरें थी सब। ये पूरा जो है ना इसमें लोग पूरा बुलडोजर लगा के इसको साफ कर दिए। ये देख सकते हैं आप, पूरा जहाँ तक बोले वहाँ तक पूरा कोई चीज़ बाकी नहीं है। अब ये देखिए, ये पूरा ये दरगाह शरीफ है, ये पूरे खबरें थी। देखिए पूरा ये आज भी जो ना ये झाड़ के पास में खबर है, बाकी है ये पूरा इधर इधर साइड में पूरे खबरें थे, ये पूरा तोड़ दिए। ये देखिए ये पूरा कब्रिस्तान है। ये देखिए ये पूरे ये खबरों के सिला, देखिए ये देखिए पूरे खबरें, ये देखिए पूरा जो है ना इसको पूरा 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 जो है ना इसको पूरा वो कर दिए। इसमें कौन कौन शामिल है क्या है पता नहीं, जो है ना ये दरगाह के मुतवल्ली जो है उन्हों और कई लोग, इसमें कुछ लीडर्स भी शामिल है बोलता रहे हैं, और जो है ना कुछ वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ भी है बोल बता रहे हैं। इसमें कुछ खबरें ही नहीं थे बोल के बता रहे हैं अभी तो मैं जो है ना सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज के सामने का कब्रिस्तान है, और ये इतना कदीम कब्रिस्तान है उसको जो है ना आज मुकम्मल तौर पर साफ़ कर रहे हैं लोग। देखिए ये काम भी चालू है अभी। अस्सलाम वालेकुम। या हाँ जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। हाँ, ये क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब इससे पहले वहाँ पर जो ना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के वास्ते मंजूरी भी दे दी गई थी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, याद है ना आपको? याद है। हाँ, तो मैं दिल्ली जाके जो ना कम्प्लेन करा था मैं। जी जी जी। हाँ, तो जरा बहुत कीमती जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो वही जा रहा हूँ। जरा खसूसी तौर पर तवज्जो लेके खत्म कराइए जरा उसको। 100% इंशाल्लाह। और आप कैसे, सुख खैरियत ना? बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी चाहता हूं, मैं न्याय साहब। नहीं नहीं नहीं, बस आप दुआ करें, दुआ करें, आपका मशवरा जो ना अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आया हमारे हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जरा अच्छा, जा रहे हैं आप अफजलगंज? हां जा रहा हूं। जाके थोड़ा लीजिए साहब एक्शन। राइट, कुछ भी रहा मेरे को अपडेट करिए साहब। हां ठीक 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 है, अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजलगंज के सामने जो लाइब्रेरी के सामने का कब्रिस्तान है, कल रात से कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसके इंस्पेक्शन के लिए खासकर हमारे एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ भी, और खासकर जितने लोग मुकामी लोग और जिस जिस के खबर थे वो लोग भी, उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आकर हमारे को वक्फ बोर्ड में कंप्लेन देने की जानिब से हम आए, आके पूरा इंस्पेक्शन करें, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी बुलाए, बुलाकर इमीडिएट जो ये काम करे हैं उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना और एफ आई आर करने के लिए हम वो कर दिए। और जितने यहाँ पे खबरें जो भी तोड़े गए हैं वो सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और विदाउट वक्फ बोर्ड परमिशन, यही बोल के नहीं, कहीं भी तेलंगाना स्टेट में अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है आप हमारे से रुजू हो जाइए, इमीडिएट हम उनके ऊपर एफ आई आर करा। सर, इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि मुतवल्ली जो है जी, एक मुतवल्ली है दूसरे उस पे आगे बने जी, जो लेडीज है यहाँ पर अभी जो है वो बोल रहे हैं कि दावा करके वो मुतवल्ली, इस पे आप क्या? देखिए, तौलियत की हद तक, मुतवल्ली शिप की हद तक वो कोर्ट से वक्फ बोर्ड से देखा जाएगा। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम है खबरें जो तोड़ने की, हमारे को जो कंप्लेन आई है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे, और जो भी ये करे हरकत, चाहे वो मुतवली रहने दीजिए, वक्फ बोर्ड कोई भी रहने दीजिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अच्छा, आज के बाद कोई नया जनाजा आया तो उसको यहाँ दफन करना? वो हम परमिशन दे देते, परमिशन लेके बात करेंगे, ठीक है।